आप सिंध गवर्नमेंट का बजट देखें, उसमें जो है वो 85% जो रिसोर्सेज हैं वो सारे कराची के हैं, लेकिन कराची को रिटर्न में दे क्या रहे हैं जो लोग, आप ये देखें। अब वो अगर इन्होंने फैसला कर लिया है कि इसको भी जो है वो वैसी बनाना है जैसे दीगर सिंध के शहर जो है वो बना चुके हैं, खंडर बना चुके हैं, तो फिर तो जो है वो अल्लाह ही वारिस है। और अब जो है वो उनको आवाम को जो है वो कराची की आवाम को बहुत सोच समझ के फैसले करने होंगे, और खोखले नारों पर और खोखले दावों पर नहीं चलना होगा। और अब हकीकी जो जिस तरह आपने खुद शुरू में प्रोग्राम के कहा कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, तो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने 36 अरब रुपये तो सिर्फ सेवरेज के निज़ाम पर लगाए कराची के, 36 अरब रुपये सिर्फ सेवरेज के निज़ाम पर लगाए कराची के। और उसके बाद जो ब्रिजेस बने और ये सारी जो हुई थी कंस्ट्रक्शन जिस दौर में हुई थी, जिस दौर में बहुत सस्ते जो है वो कर्जे दे गए HDFC से और दीगर बैंक से लोगों ने घर बनाए, वो गाय जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था सारा। आज भी आवाम को याद करते हैं, असल तो आवाम है जो वाकई समझती है कि हमें एक अच्छा लीडर मिलना चाहिए, तो वो परवेज मुशर्रफ जी थे। और समझते ही आपके तो शुरू से ही बहुत पसंद रहेंगे, खासकर मुशर्रफ साहब से भी बीमार भी थे काफ़ी आपने, और आप सोशल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं, पेश पेश रहते हैं, जैसे ये कोरोना के हवाले से अगर राशन तकसीम करने की बात हो या बेवा यतीमों की मदद करने की बात हो तो सरमद सदीकी का नाम उसमें सैर फहरिस्त होता है। तो अभी क्या आपकी पार्टी मतलब कि मेरी कराची के हालात को देखते हुए कोई आप भी खूब के आपसे बोलते होंगे कि जब इतना अच्छा मुल्क चल रहा था जब आवाम ने उनको याद नहीं किया, आज आप उनको याद करते तो आपको कैसा लगता है? आज आवाम उनको याद करती है तो मैं इस आवाम को यही कहता हूँ कि जब वो तकरीर आखिरी कर रहे थे उनके अल्फाज आपने सुना के, मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान का जो है वो अल्लाह ही हाफिज़ है, तो उनको पता था गायब परवेज मुशर्रफ साहब को ये बात पता थी कि ये लोग जो है वो आगे जाकर जो है उनको याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि वो जो मेरे कायद जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था उसको याद करके आज की आवाम जो है वो इस वजह से सबसे ज़्यादा वो करती है। आप ये देखें कि उन्होंने वो काम किए थे जिसके सहारा आम आदमी तक पहुँचे, आम आदमी तक जिसको लोअर क्लास और मिडिल क्लास कहते हैं उस तक उस सम्राट पहुंचे थे। परवेज मुशर्रफ साहब ने ऐसे काम किए थे। अभी दो दिन पहले हमारे पास एक वफ्द आया केसर टाउन से मुशर्रफ कॉलोनी से, और वो आंसुओं से रो रहा था हमारे बादराबाद से टेलीट पे बैठ के कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने बिजली पानी गैस सब फराम किया तो दूरदराज आबादियों को जो है वो मुशर्रफ कॉलोनी को और केसर टाउन को, और बोले अब हम जो है वो रुल गए। MDA ने मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 1700 मुलाजमीन फारिग किए, वो 1700 मुलाजमीन हमारे पास आए कि आप हमारा केस हाई कोर्ट में लड़े और हमें रिलीफ दिलाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ के लिए तो हमने बहुत काम किया। कोरोना का जब मामला हुआ तो कायद जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने जो है वो बजाते खुद हिदायत दी हमें कॉल करके कि सबको आपने राशन बांटना है और जो है वो बिला तफरीक बांटना है। तो जो है हमने बोला ठीक है, और हमने क्या किया कि सिर्फ अपनी मतलब ज़ाहिर हम एक सियासी जमात है, हमने कायद को अपनी कारकर्दगी दिखानी थी तो हमने वो जो राशन बैग्स पैक हुए हुए थे उनकी तस्वीर भेजी और सोशल मीडिया पे, हमने ये नहीं किया कि एक आटे का थैला 25 लोग पकड़ा रहे हैं किसी बेवा को या यतीम को और उसकी इज्जत है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने किसी की जो है वो नादार की मजलूम की किसी की तस्वीर नहीं बनाई, किसी की दिल आजारी नहीं की। उसके बाद जो है वो हमने क्या किया कि हम आबादियों में गए रात को 2 बजे और उनके घरों के आगे वो राशन बैग रखे खटखटा के आगे निकल गए। हमने कोई नहीं पूछा कौन है कौन नहीं है। एक जो है वो हमारा दोस्त था, उसने कॉल की हमें, हमारी पार्टी का ही जो है माइनॉरिटी विंग का जिम्मेदार है, उसने फ़ोन करके बोला कि जिसने भी कोरोना में जो है वो राशन बांटा है उसने ये देखा है कि कौन वो है, उसका मसला की है या कौन सुन्नी है कौन शिया है। वो बोला वाहिद जनरल परवेज मुशर्रफ की जमात थी जिसने हिंदू आबादियों में और जो है वो ईसाई आबादियों तक में जाके जो है वो राशन बांटा है बगैर, क्योंकि जब आप इंसानियत का काम कर रहे होते हैं तो उसमें मजहब की कोई बात नहीं होती। जब इंसानियत का काम हो रहा होता है तो इंसानियत के लिए होता है। यहाँ हो ये रहा था कि कोरोना के नाम पे भी जो है वो कोई सियासी जमात अपने वो मास्क के ऊपर प्रिंट कर रही है लोगों को, कोई सियासी जमात जो है वो उसके ऊपर जो है वो सैनिटाइजर के ऊपर अपने वो लोगों को प्रिंट कर रही है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो काम किया, हमने कायदे ड्रेसेस जो थे वो भी दिए डॉ में सिविल में जिना में डॉक्टरों को जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे थे, हमने पुलिस स्टेशन में भी जो है वो करवाया स्प्रे करवाया हमने, उसमें फिरोजाबाद में शारे फैसल में मलीर में गार्डन में और ये क्या नाम जमशेद क्वार्टर में हर जगह हमने जो है वो अपने बजट से जो हमारा पार्टी का बजट था जो हमें आइंदा आने वाले बल्दियाती इलेक्शन के लिए कायद ने दिया था वो हमने उसको सर्व कर दिया कि ये लोग जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं ये कम से कम सेहतमंद होंगे तो आगे माशरा सेहतमंद होगा।